हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजनल गार्डनिंग। आज का वीडियो मैंने इंग्लिश गुलाब पर बनाया है। अक्टूबर का मंथ आने वाला है दोस्तों, देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए गुलाब के पौधे के लिए, क्योंकि गुलाब जो होते हैं वो ठंडियों में ही खिलते हैं। और ठंडियों में गुलाब के पौधे की केयर कैसे की जाती है आपको आज का वीडियो एंड तक देखना होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि मेरी अगली आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसका अपडेट आपको जल्दी आपके फ़ोन में मिल सके। आप सामने जो ये रेड कलर का बहुत सुंदर सा गुलाब देख रहे हैं, ये इंग्लिश गुलाब है। इसका जो साइज़ ही होता है, काफ़ी बड़े साइज़ के गुलाब आते हैं ये, और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। इसमें नई नई पत्तियाँ भी खिलने लग गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्लांट दिखने में। जो मेरा गार्डन व्यू है इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे गार्डन में बहुत काफ़ी अच्छी रौनक देता है ये पौधा। और देसी गुलाब जो होते हैं, देसी गुलाब थोड़े अलग आते हैं, छोटे साइज़ में आते हैं। अब इसमें एक ये नई कली खिल के आई है, वो काफ़ी सुंदर कली है। और इसका जो साइज़ ही है कली का दोस्तों, काफ़ी बड़ा है और दिखने में ही इतनी सुंदर है ये। और जो गुलाब खिला है वो तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप इंग्लिश गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस सीज़न अक्टूबर के सीज़न में ही लगाइए, ये बहुत अच्छा सीज़न है। और इस सीज़न में गुलाब की जो खेती होती है, वो गुलाब की खेती स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर मंथ में। और गुलाब के पौधे की केयर कैसे करें, कौन सी खाद डालें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। गुलाब के पौधे में जो सबसे अच्छी खाद होती है वो होती है वर्मी कंपोस्ट खाद, या फिर गाय के कंडे की जो गोबर की खाद बनती है, प्योर कंडे की बनती है जो, वो बहुत अच्छी खाद होती है। ये दो खाद सबसे बेस्ट खाद है, आप ये दोनों खाद अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। और गुलाब अगर नहीं आ रहे हैं और अगर पत्तियां ख़राब हो रही हैं, तो आप और या फिर मिलीबिक्स यानी वाइट जो कीड़े आ जाते हैं, मिलीबिक्स ने हमला कर दिया गुलाब के पेड़ पर, या फिर फंगस लग गई हो, तो ये सबसे अच्छा नीम ऑयल स्प्रे डाल दीजिए, या फिर एलोवेरा का जेल स्प्रे। एलोवेरा का जो जेल स्प्रे, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर की है आपसे वीडियो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी आपके लिए कि आप बनाकर देख लीजिएगा, कितना बहुत अच्छा जेल है। और मेरे पेड़ पौधों को तो काफ़ी इंक्रीज़ हुए, मेरे पेड़ पौधे की जो ग्रोथ है बढ़ नहीं रही थी, कम थी। और इन गुलाब के पौधे की भी जो ग्रोथ थी, फूल नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये जेल का इस्तेमाल किया था, एलोवेरा की जेल का, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला वीडियो। तो और नीम ऑयल स्प्रे आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनने वाला स्प्रे है। आप आसपास अगर कड़वी नीम के पत्ते लगे हों, तो कड़वी नीम के पत्तों को ले आइए, खूब 1 लीटर पानी में खूब उबालिए। अच्छा उबालने के बाद उसे थोड़ा सा ठंडा करके एक जो स्प्रे बॉटल है उसमें भर के रख दीजिए, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने पेड़ पौधों पर, खासकर गुलाब के पौधों पे तो ज़रूर डालिए इसका स्प्रे। कुछ भी मिलीबिक्स नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, एकदम आपका जो पेड़ है बहुत ही अच्छा फ्रेश और एकदम अच्छे से चलता रहेगा आगे। और गुलाब की तो जो खेती होती है वो ठंड के सीज़न में होती है, और काफ़ी भारी मात्रा में गुलाब के पेड़ में आते हैं, और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। गुलाब एक ऐसा फ्लावर है, काफ़ी फ्रेग्रेंस फ्लावर है, बहुत ही सुंदर खुशबूदार फ्लावर है। और इंग्लिश गुलाब तो काफ़ी सुंदर गुलाब है, इसका जो साइज़ ही होता है काफ़ी बड़ा होता है। आपने अगर दोस्तों नहीं लगाया है ये गुलाब का, इंग्लिश गुलाब का पेड़, तो ज़रूर लगाइएगा इस सीज़न में, मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसमें और भी कलर्स चाहते हैं, तो आप नर्सरी पर जाकर ले सकते हैं। नर्सरी में आपको इसकी जो प्राइस है गुलाब के, 70 से 80 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारी वेराइटीज़ के मिल जाएंगे गुलाब। गुलाब के जो बेल वाले भी गुलाब आते हैं, देसी भी आते हैं, इंग्लिश आते हैं, काफ़ी वेराइटीज़ के गुलाब आते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो आपको। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे आने वाले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू।